रानू मंडल एक ऐसी बदनसीब मां की कहानी है जिसने चार बच्चों को पैदा किया। हां, रानू मंडल के पहले पति जो कि एक्सपायर हो गए, पहले पति से रानू मंडल के दो बच्चे पैदा हुए और दूसरे पति से भी दो बच्चे पैदा हुए। परंतु उस बदनसीब मां को रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गीत गाकर भीख मांगना पड़ता था ताकि वह अपने पेट के लिए रोटी जुटा सके। रानू मंडल जैसे बदनसीब मां बाप भारत देश में और भी बहुत सारे हैं। ये तो खुशनसीबी है रानू मंडल का कि जब वह एक प्यार का नगमा गा रही थी, किसी नौजुवक का ध्यान आकर्षित हुआ और उसने उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसने हिमेश रेशमिया जैसे संगीत के पारखी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और आज उसका जीवन बदल गया है। जीवन बदलते ही उसके बच्चे दिखाई पड़ने लगे और सबसे पहला बच्चा जो सामने आया वो एलिजाबेथ साथी है। एलिजाबेथ साथी जो कि एक सिंगल मदर है और वह अकेले रहती है। पूरा नाम है एलिजाबेथ साथी रॉय। उसका भी एक बच्चा है, उसका एक ग्रोसरी का दुकान है। वह कहती है, वाई शुडंट अदर चिल्ड्रन बी ब्लेम फॉर इग्नोरिंग मदर, वाई शुड आई टेक केयर ऑफ माई मदर। मान लिया, लेकिन तुम भी तो मां की ही बच्ची हो ना। बाकी तीन बच्चे तो पता नहीं किस बिल में समाये हुए हैं। जिन चार बच्चों को मां खिला पिला करके पाल पोस करके बड़ा कर दी, वह मां बाद में इतना बदनसीब निकली कि उसको रोटी खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या ऐसी दिन रात के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, तैयार करते हैं ताकि वह स्टेशन पर जाकर भीख मांगकर अपना पेट पाले, कि उनका कोई नहीं है? ये तो जानवरों की दुनिया हो गई, पक्षियों की दुनिया हो गई। पक्षी भी बच्चों को पैदा करती है, खिलाती पिलाती है, लेकिन बच्चों को ज्यों ही पंख होता है वो उड़कर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि उनके पेरेंट्स कहां हैं। जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं, जानवर खिलाते पिलाते हैं और ज्यों ही जानवरों के पैर होते हैं, पंख होते हैं, वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं और पेरेंट्स का सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। तो क्या आज की दुनिया जानवरों की दुनिया होती जा रही है? क्या अब आदमी भी जानवरों जैसा व्यवहार करने लगा है? जिस मां ने चार बच्चों को अपने कोख से पैदा किया, वह मां स्टेशन पर भीख मांगे और वह पत्नी जिसने रोटी के लिए दो दो शादियां की, दो दो आदमी के साथ सोने का फैसला किया, वह रोटी के लिए स्टेशन पर भीख मांगे? अगर आज की दुनिया ऐसी ही है तो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, मां बाप को सोचना पड़ेगा कि बच्चा पैदा करें या ना करें। मां बाप को सोचना पड़ेगा कि बच्चों का परवरिश करें या ना करें। मां बाप को सोचना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा पैदा करें तो फिर किस लिए करें, किस लिए इतनी परेशानियां उठाएं।
इस कहानी का दूसरा पक्ष यह भी है कि आजकल के पेरेंट्स को अपनी प्लानिंग खुद करना पड़ेगा। बच्चों के बहाने यदि पेरेंट्स मां बाप अपने बुढ़ापा को छोड़ते हैं, उनके भरोसे अपने बुढ़ापा को छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि उनका भी भविष्य रानू मंडल जैसा होगा। वह रानू मंडल जो स्टेशन पर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। दुनिया को बदलना होगा, बच्चों को बदलना होगा। आदमी की दुनिया जानवरों की दुनिया नहीं है, आदमी की दुनिया पक्षियों की दुनिया नहीं है, जहां पर पेरेंट्स को देखने वाला कोई नहीं है। दुनिया को सोचना पड़ेगा, हम किधर जा रहे हैं? क्या यही है आदमी की दुनिया? क्या यही है तर्कशील दुनिया, जहां मां बाप जो चार चार बच्चों को पैदा करता है वह स्टेशन पर भीख मांगे, और आज डेब्यू करने के बाद भी बच्चे इतने बेशर्म हैं कि चार में से तीन कहां है उसे पता नहीं है, वह जिंदा पति कहां है पता नहीं। कम से कम आप तो सामने आ जाओ, अपना बेशर्म चेहरा दिखाओ। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया हो तो इस एक लाइक कर दें। इस विचार को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर कर दें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें, तथा चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।